आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप, मैं हूं होम्योपैथ और अभी मैं हूं पंजाब में श्री मुक्तसर साहब में। दोस्तों, आज हम अपनी पुरानी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे घर में जो मसाले पड़े होते हैं आपकी जान बचा भी सकते हैं और आपको बीमार करके आपकी जान ले भी सकते हैं, पर हम उनको सिर्फ टेस्ट के लिए जानते हैं कि ये तो सिर्फ टेस्ट के लिए हैं, पर ये बीमारियाँ बना भी सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेंधा नमक के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सेंधा नमक लाओगे और जो मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ सेहत के लिए, आपकी सेहत के अंदर वो सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे 30 दिन के अंदर। और मैं आपको बता दूँ, 10% लोगों के घरों में ही सेंधा नमक है, जिसको हम रॉक साल्ट बोलते हैं और पहाड़ी नमक बोलते हैं, पत्थर वाला नमक बोल देते हैं, और बाकी 10% जो हैं उन्हीं के घर में ये मिलेगा, और जो 90% है उनके अंदर ये नहीं मिलेगा। जो 90% है वो यूज कर रहे हैं आयोडाइज साल्ट, और आयोडाइज साल्ट के ऊपर द लैंसेट के ऊपर जो लेख छपा था कि 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंपनसेशन हटा लिया है कि सभी को आयोडाइज नमक खाना, जो 1998 में लॉ बना था कि सभी को आयोडाइज नमक खाना ही पड़ेगा। अब ये हुआ क्या है, 2000 के बाद है थायराइड वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो पहले कभी कभार देखने को मिलती थी, अब हर चौथे घर में थायराइड मिल रहा है। अब क्या है, आयोडाइज नमक के अगेंस्ट है, इसके फ़ायदे क्या हैं, पहले तो हम आयोडीन नमक के बारे में जान लेते हैं। आपको आयोडीन नमक खाना ही क्यों है, आपके अंदर आयोडीन की कमी आपने टेस्ट करवाया पाई है या नहीं पाई है? अगर टेस्ट करवा कर नहीं पाई है तो आयोडीन नमक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके आपको नुकसान ही मिलेंगे, पहले टेस्ट करवा लें। अब आयोडाइज साल्ट इतना खाने से क्या कुछ हो सकता है, थायराइड हो सकता है आपको, थायराइड के साथ खास करके महिलाओं में, छोटी बच्चियों में भी माहवारी की दिक्कत आ सकती है, बार बार माहवारी आ सकती है, या माहवारी 3-4 महीने के लिए बंद भी हो सकती है, तो महिलाओं में माहवारी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं आयोडाइज साल्ट खाने से। इनफर्टिलिटी है महिलाओं के अंदर, बच्चे पैदा करने की समर्था के ऊपर इसके असर पड़ता है, पुरुषों के अंदर नपुंसकता जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, बीपी हाई रह सकता है इसको खाने से, ज़्यादा आयोडाइज नमक खाने से, जॉइंट पेन की बीमारियाँ, जोड़ों से बीमारियाँ जुड़ी हुई आ सकती हैं आपके अंदर, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी दिक्कतें आपके साथ इतनी भारी मात्रा में आयोडीन खाने से आ सकती है। और दूसरी बात ये है, जो ज़मीनी इलाके में भारत में रह रहे हैं उनको आयोडीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीनी इलाकों में जो सब्जियां उगती हैं उनके अंदर भरपूर मात्रा में आयोडीन होती है। जो पहाड़ी इलाके में है उन्हीं को ही आयोडाइज साल्ट खाने की ज़रूरत है, पर इंडिया में उनके अंदर भी कमी नहीं मिलती है, वो पहले जाँच करवा लें, नहीं तो ये सारी नुकसान उनके अंदर मिलेंगे और एक बीमारी आगे 10 बीमारियों को इकट्ठा कर लेती है। अब चलते हैं सेंधा नमक के फ़ायदे क्या हैं। सेंधा नमक होता है वाइटिश और पिंकिश, तीन तरह के नमक हैं, समुद्री नमक, दूसरा है सेंधा नमक, एक है काला नमक, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंधा नमक है डाइजेस्टिव, आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, IBS है, क्रोन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एसिड पेप्टिक डिजीज है, एसिडिटी बन रही है, ये सभी को आराम करेगा। एपेटाइजर है, आपको भूख लगना कम हो गई है तो इसको आप खाना शुरू कीजिए, सलाद के ऊपर डालकर खाना शुरू कीजिए, आपकी एपेटाइट है जो भूख है बढ़नी शुरू हो जाएगी। खास करके बच्चों में देखा गया है कि इंटरेस्ट इन फूड ये बढ़ाता है, उनकी भूख काफ़ी बढ़ा देता है। अगर आपके घर पे भी बच्चे हैं जो कुछ नहीं खाते हैं घर का, जब उनसे पूछते हो कि खाना है या नहीं खाना है, बोलेंगे नहीं खाना है कुछ भी, भूख ही नहीं लगती है उन बच्चों को, फिर आप भूख वाली दवाइयाँ खिलाते हो तो सारा काम ये आपका सेंधा नमक कर देता है। कूलिंग इन नेचर है ये सेंधा नमक है, हाई बीपी की समस्या से आपको बचा के रखेगा। एफ्रोडाइसिक है, ये मेल हेल्थ के लिए, पुरुषों के लिए बहुत बढ़िया है उनके हेल्थ के लिए, आँखों की बीमारियों के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब किसी भी बीमारी में ये बीमारी को ठीक करने में हेल्प करता है। वर्म्स इन्फेक्शन है, बच्चों के पेट के अंदर कीड़े ना बने, तो अगर आप लगातार उनको सेंधा नमक पे रखते हैं तो ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। एल्बेंडाजोल ऐसी गोलियां खिलवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी पता है कीड़े बच्चों के पेट के अंदर बनते रहें तो उनके दिमागी विकास, शारीरिक विकास, हड्डियों में और मांस के विकास में बहुत बुरा असर डालते हैं जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं, तो उनकी समस्या से आप बचे रह सकते हैं और इनका कोई नुकसान भी नहीं है। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जैसे कि ब्रेन के अंदर पार्किंसन है, बुलक्कड़पन है, मेमोरी IQ आपका लो है, और अल्जाइमर डिजीज़ है, और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो जोड़ों की हैं, आपको गठिया हुआ है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है,
कोई भी जोड़ों की समस्या हुई, दर्द से जुड़ी हुई समस्या है, जोड़ों की ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या है, उनके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अंदर कुछ मिनरल भी होते हैं, जैसे कि सोडियम तो इसके अंदर होती होता है, पोटाशियम बहुत बढ़िया मात्रा में होता है इसके अंदर, मैग्नीशियम भी होता है इसके अंदर। मैग्नीशियम जैसे कि पेन रिलीवल है, मस्कुलर रिलैक्सेंट है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को फ्री करता है मैग्नीशियम। तो स्ट्रेस फ्री भी ये इसका बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को स्ट्रेस चल रहा है तो ये खाएगा तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट स्ट्रेस के अंदर भी मिलेंगे, स्ट्रेस लेवल उसका लो होगा। कैल्शियम इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में होता है, हड्डियों को भी ये मजबूत बनाएगा। तो आयोडाइज नमक के अगेंस्ट हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ये लेना शुरू कीजिए और आपको काफ़ी बीमारियों में ये मदद कर सकता है आपकी। अगर ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आप तक ऐसी वीडियोस हर रोज़ पहुंचती रहे। हम हर रोज़ 2 से 3 वीडियो अपडेट करते हैं, वो आप देखते रहेंगे। और ऐसी वीडियोस को आप अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, खास करके जो यंगस्टर हैं, आपके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं, उन तक ज़रूर वीडियो पहुँचाया कीजिए ताकि उनको ऐसी साइंटिफिक बेस्ड जो हम इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में, जानकारी उनकी बढ़ सके, बीमारी फ्री हम भारत बना सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।